हेलो, अनुष्का और शीला फैशन बुटीक में आपका स्वागत है। आज हम एक कैरी बैग तैयार करेंगे। देखिए, कैरी बैग के लिए मैंने दो तरह का कपड़ा लिया है। एक तो ये जूट है, 1 मीटर जूट है ये हमारा। ये मैंने काट के 32 इंच रखा है। एक साइड से प्रिंट था और एक साइड से ये प्लेन, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं माप के दिखाती हूँ। सोलह और डबल है ये, जैसे कि खोलेंगे तो 32 हो जाएगा। और इस साइड से है ये हमारा 16। ठीक है, ये दो पीस मैंने तैयार किए हैं इसी तरह से। ठीक है, इसको उल्टा कर लेंगे और इसको भी उल्टा कर लेंगे। ठीक है, दोनों पार्ट को ऐसे उल्टा करेंगे। अब दोनों पार्ट पे, यहाँ पे एक पैर की और यहाँ पे एक पैर की, दोनों में सिलाई लगाएंगे। देखिए, अब हम इस पे कैरी बैग है तो पकड़ने के लिए हैंडल वगैरह या फिर हम डोर डस्ट कुछ बनाएंगे ना, तो ये मैंने लिया है जूट ही है। 1 मीटर था तो हाफ हाफ कर लिया, ये 20-20 इंच का, दो जगह। ठीक है, ये काट लिया है, दो मैंने ये स्टिप तैयार कर ली है। ठीक है, और ये लगाने किस तरह से है, देखिए इसको हाफ करेंगे। 16 इंच है तो 8 इंच हो जाएगा, और बीच का गैप देंगे हम इसका 7 इंच का। 7 इंच के लिए हम यहाँ पे 3.5 और 3.5, ठीक है, ये दोनों साइड में ऐसे निशान लगा लेंगे। सीधा साइड है ये, ठीक है, इसके ऊपर ऐसे रखेंगे। ये हमारा इस तरह से इसको सिल देंगे। ठीक है, आप इसी तरह से दूसरी साइड में भी यूं करेंगे। आप इस साइड में इसी तरह से लगा लेंगे। ठीक है, ये हमने अपनी बद्दी वगैरह लगा ली है। अब इसको इस तरह से करेंगे यू, ठीक, जो मैंने बोला था सिलाई, ये वाली सिलाई लगा लेंगे साथ वाले। दूसरी साइड है, इसमें भी ऐसे ही सिलाई लगाएंगे। पहले सिर्फ जूट पे लगाएंगे, ठीक है, सिलाई। अब देखिए, हमारे जो कोने हैं ये यहां से ऊपर से नीचे लेके आए, 2.5 2.5 की यहां पे निशान लगाएंगे इस तरह से। ठीक है, ये हमारी स्टिचिंग है ना, इससे लेंगे 2.5। और यहां भी 2.5 यू। ठीक है, देखिए 2.5 आपका। इसी तरह से जो हमारा ये दूसरा कोना है, इसमें भी यू ही 2.5। ये जो स्टिचिंग है ना, इससे अंदर अंदर लेना है। नीचे से भी लगा लीजिए अगर आपको दिक्कत आ रही है तो, यू। और यहाँ भी 2.5, नीचे से भी। क्रॉस हो गया तो इसको मिला देंगे और इसको मिला देंगे। अब इसको हम कट करेंगे, ठीक है, दोनों साइड से जो हमारे कॉर्नर बने हैं इनको हम कट करेंगे। यू और इस कॉर्नर को भी ऐसे ही कट करेंगे।
कट करके यहाँ पे चौक से निशान कर देंगे, सेंटर बनाएंगे, ठीक है, दोनों साइड में सेंटर इसलिए बनाते हैं ये। अब ये कोने हैं हमारे, ये मिल जाए अच्छे से, ये जो स्टिचिंग है ना इसको ऐसे कर लेंगे यू, और ऐसे सिलाई लगा देंगे इसके ऊपर। अच्छे से पकड़ के और नीचे से इसको खोल के सिलाई को ये अच्छे से लगाएंगे। एक बार फिर दो बार सिलाई कर देंगे, थोड़ा सा अच्छे से कवर हो जाएगा। ये दूसरी साइड थी ना, इसको ऐसे करके सिलाई लगाई है, ये लगाएंगे। ऐसे दूसरे कोने को भी कवर कर लेंगे, ठीक है। ये हमारा इनर है जो हमने बैग में अंदर की साइड डालना, क्योंकि जूट है ना तो सेफ्टी नहीं होगी उसमें अकेले में, इसलिए जो ये सिलाई लगाई है स्टिचिंग कर ली है दोनों साइड में, इसके अंदर अंदर टू एंड हाफ जैसे जूट के पार्ट पे किया था ऐसे इस पे भी यू ही करेंगे, कटिंग और स्टिचिंग। इस तरह से मिला देंगे इसको और कट करके जो कॉर्नर है ना इनको कट करके इसको भी यू ही, ये सेंटर हो गया ना इसका, तो ये खोल लेंगे इसको और ये सिलाई लगा देंगे दोनों पार्ट में, ठीक है। देखिए ये हमने स्टिच कर लिया दोनों में, और ये हमारा अंदर का इनर है इसका, ये दोनों स्टिच हो गए हैं हमारे। पहले इसको सीधा करेंगे, जो हमने बैग बनाया है ऐसे सीधा कर लेंगे इसको, ये हमारा है इसको यू का यू उल्टा ही इसके अंदर डाल लेंगे, ठीक है। यू डाल दिया, अब देखिए ये जो स्टिचिंग है ना इससे इसको मिलाएंगे यू, और एक रफ सिलाई लगा देंगे यू, सीधे के सीधे में यू की यू में रफ सिलाई से इसको अच्छे से, हम हिलेगा नहीं, एक टिप लगानी है ना अंदर उसके लिए। यह है पूरी सिलाई राउंड में इसी तरह से लगा देंगे, ठीक है। ये सिलाई लग गई हमारी, इसके ऊपर मैंने देखिए ये एक स्टिप लगानी है सेफ्टी के लिए, ठीक है। और ये हमारी है 2 इंच, ठीक है। कैसे लगानी है, यहाँ से शुरू करेंगे स्टिचिंग है ना, यहाँ इसमें एक पैर का ऐसे एक पैर बाहर निकाल के स्टिचिंग से और थोड़ा छोड़ के तब सिलाई करेंगे। ये सेफ्टी के लिए है, और ये जो हमारी पट्टी है पूरे हमारा जो बैग है इसमें राउंड में घुमाएंगे, पूरे में लगा देंगे। ये जो हमारी स्टिचिंग है यहाँ तक है ना, तो इसको इस तरह से सिलाई लगा देंगे यू दबा के हल्की सी, देखिए थोड़ा सा
बाहर है, इसकी कटिंग कर देंगे एक्स्ट्रा कपड़े की। हो गई। और यहाँ से एक स्टिचिंग यू लगा देंगे। ठीक है, हो गया हमारा ये पक्का। अब इसको अंदर की साइड फोल्ड करेंगे यू करके, अंदर की साइड में इसको फोल्ड कर देंगे। और यहीं से शुरू करेंगे इसकी स्टिचिंग, ऐसे करके, ऐसे। इक्वल इक्वल फोल्ड करके लेके आएंगे इसको। इसको अच्छे से खींचे नीचे से, ऐसे ही राउंड में, पूरे बैग में ये सिलाई राउंड में लगा देंगे। ठीक है, ठीक है। देखिए ये जो है ये सेफ्टी के लिए लगाया है अंदर की साइड में, हो गया पूरा। और ये हो गया हमारा कैरी बैग तैयार। देखिए अब घर का जो छोटा मोटा सामान है, दूध है वगैरह, फल वगैरह, सब्जी लेने के लिए हम जाएंगे, ये हो गया तैयार। उम्मीद है आप सबको पसंद आई होगी वीडियो। थैंक यू।